ना, बहुत नजदीक आ गई है उत्तरायण, है ना। सो यहाँ पर अभी देखो, हैप्पी उत्तरायण। आपको पता ही है कि हम सब हर फेस्टिवल थोड़ा एडवांस में सेलिब्रेट करके आपको वीडियोस भेज देते हैं, ताकि आपको उस फेस्टिवल के बारे में अच्छे से पता हो कि क्या करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। ओके, सो हर साल हम उत्तरायण या मकर संक्रांति कहते हैं उसको हिंदी में, है ना, गुजराती में उत्तरायण बोलते हैं। सो मकर संक्रांति या उत्तरायण के दिन हम क्या करते हैं? यस, काइट फ्लाइंग करते हैं ना, खूब सारी पतंग उड़ाते हैं, और क्या करते हैं, और हम खूब सारे तिल के लड्डू और मकरा के लड्डू और बहुत सारी चीजें खाते हो ना, सिंह की चिक्की। यस, तो उस दिन तिल खाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है कि उस दिन तिल खाना ही चाहिए। उत्तरायण के दिन हमें तिल खाने चाहिए। जब आप मॉर्निंग में नहाते हो तो नहाने के पानी में भी थोड़ा सा तिल डाल के नहाना चाहिए, बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं उस चीज को। तो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो तिल की पपड़ी या तिल के लड्डू जो भी आप बोलते हो उसको, वो खा के फिर खूब सारी काइट फ्लाइंग करते हैं, है ना। एवरी ईयर 14 जनवरी मीन्स 14 जनवरी को हम उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन दान पुण्य करना चाहिए, उसका भी महत्व है, राइट। इन सब चीजों से हमें गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती है, पुण्य मिलता है। जो गरीब हैं उन लोगों को कुछ कुछ चीजें दान करो, कपड़े हैं, पैसे हैं, या उनकी कोई जरूरत की जो चीजें हैं वो आप उनको दान करो, तो इन सब का आपको क्या मिलता है? यस, पुण्य मिलता है। तो हमें उस दिन दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप पतंग उड़ाने के लिए छत पे जाते हो तो किसी बड़े को साथ में रखना है, अकेले नहीं जाना है। और जहां पर आपकी छत की गैलरी है उसके बिल्कुल नजदीक तो बिल्कुल नहीं जाना है, दूर रहना है उससे। और उड़ाते उड़ाते ये नहीं कि पीछे जाते जा रहे हो और आप देख ही नहीं रहे हो कि कहां जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धागे कच्चे वाले यूज करने हैं आपको, अदरवाइज आपकी उंगली कट सकती है, राइट। आप हर्ट हो सकते हो, तो आपको हर्ट नहीं होना है, हर चीज का ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ चल रहे हो, पैर में धागा आ गया, उससे गिर सकते हो आप, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो अकेले जाना ही नहीं है छत पे, जब मम्मी पापा या कोई बड़ा आपके साथ हो तो ही आपको छत पे जाना है, ठीक है। उनके साथ उनकी देखरेख में आपको पतंग उड़ानी है, ठीक है। सो एंजॉय करना, खूब सारी पतंग उड़ाना, और पहले तो हम पतंग बनाना सीखेंगे आज। यस, आज की एक्टिविटी क्या है, हाउ टू मेक काइट। तो आज हम सुंदर सी काइट बनाने वाले हैं, और वही काइट आप फिर घर पे बनाना और उसको उड़ाना और खूब सारे मजे करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पतंग बनाना। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सो देखो, अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये एक स्क्वायर पेपर लिया है। कैसा पेपर लिया है? स्क्वायर पेपर दिख रहा है, देखो ऐसे देखोगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा, इसके चारों पोर्शन सेम है, राइट। तो ये ऐसे स्क्वायर है, हमको पतंग ऐसे बनानी है, राइट। तो इस पेज को हल्का सा टर्न कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी देखो, इस पतंग पे मैंने आईज ड्रॉ की है और एक स्माइली बनाया है, तो उसको हम पहले ब्लैक कलर से बना देते हैं। यहाँ पे दो आईज बना देते हैं और एक स्माइल, क्योंकि पतंग क्लीन क्लीन अच्छी नहीं लगती ना, थोड़ी डेकोरेटिव होनी चाहिए तो अच्छा लगेगा हमको, राइट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, पतंग को सुंदर सा डेकोरेट करते हैं। आप घर पे अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके एक सुंदर सी काइट बना सकते हैं, है ना। और बनानी ही है, आपकी खुद की बनाई हुई काइट आप फ्लाई करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये मैंने बनाई है,
राइट। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, पेपर्स तो आप सबके घर में होते ही है, है ना, कलरफुल पेपर तो हम सब अपने घर में रखते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। देखो हमने सुंदर सी आइस बना के रेडी कर दी, सुंदर लग रही है ना आइस बॉल। यस, अब हम उसकी सुंदर सी स्माइल भी बनाएंगे, क्योंकि स्माइल से ही तो हमारा फेस भी अच्छा लगता है, राइट। तो ऑलवेज हमको भी स्माइलिंग फेस ही रहना है, वैसे ही हमारी काइट भी अच्छे से स्माइल करेगी तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा ना। देखो वाह कितनी सुंदर लग रही है काइट, लग रही है ना। यस, अब हम क्या करेंगे कि ये देखो हमारे पास एक ग्लिटरिंग वाली टेप है, ये मार्केट में मिलती है, आप सबके घर में भी होगी, जब आप क्राफ्ट वर्क करते हो तो इस टाइप की टेप यूज करते हैं। तो हम इस टेप को क्या करेंगे, इस पतंग के कॉर्नर कॉर्नर्स पे पूरी लगा देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको लगाना। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने एक साइड लगा दी है, दिख रही है। यस, अब वैसे ही हम उसके चारों तरफ ऐसी ही टेप लगा के हमको फिनिश करना है इसको। देखो दो तरफ मैंने लगा दी है, अब यहां भी लगा दूंगी, ऐसे ही हम चारों तरफ इसको लगा के फिनिश कर लेंगे। आराम से करना, टेक योर ओन टाइम, और आपको जो कलर का पेपर पसंद है आप उस कलर का ले सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैम ने येलो लिया है तो आपको भी येलो ही लेना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आपके घर में जो भी कलर का पेपर अवेलेबल हो आप वो कलर का पेपर लेके बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैम ने येलो लिया है तो हमको भी येलो ही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जो कलर पसंद है, आपको येलो नहीं पसंद है तो आप मत लो येलो, रेड पसंद है रेड ले सकते हो, ब्लू पसंद है ब्लू ले सकते हो। सी कैसी ब्यूटीफुल लग रही है मेरी काइट, लग रही है ना। यस, रेडी टू फ्लाई, नहीं अभी थोड़ी चीजें बाकी हैं। फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, राइट। फिर उस ट्रायंगल को हम यहां पर पतंग के नीचे की तरफ उसको क्या करेंगे, यस स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होगी, फेविकॉल की। तो फेविकॉल से हम उसको यहां पर स्टिक कर लेंगे। ये देखो कैसी लग रही है मेरी पतंग, रेडी टू फ्लाई। ओके, फिर हमारे पास कुछ ऐसे डेकोरेटिव मेरे पास पड़े थे पेपर्स, है ना, रिबन्स, इसको क्या बोलते हैं, पेपर रिबन बोलते हैं। अगर आपके पास हो तो ठीक है, लेकिन जिद नहीं करनी है कि चाहिए ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है, हो तो लगाना, ना हो तो कोई बात नहीं। तो इसको भी हम वैसे ही इस पे यहां स्टिक कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये हमने स्टिक कर दिए। तो कैसी लग रही है अब हमारी काइट, अच्छी लग रही है देखने में। यस, उड़ने वाली है अब, लेकिन इसको उड़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काइट जैसा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी डंडियां लेनी है। ये किसमें से मिलेगी,
आपके घर में पता है झाड़ू होती है ना, जो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू, उसके अंदर से ये डंडियां आपको मिल जाएंगी। तो उसमें से ऐसे दो डंडी निकाल लेना, एक ऐसे सीधी लगानी है यहाँ पर इस तरह, ठीक है, और एक को ऐसे फोल्ड करके जैसे पतंग में होता है ना वैसे फोल्ड करके यहाँ लगाएंगे हम। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं इससे स्टिक करने के लिए। तो ऐसे मैं एक लाइन कर देती हूँ फेविकॉल की, और जो लंबी वाली स्टिक है चिपका, उसको ट्राई करते हैं चिपकाने का, ठीक है, और ना भी हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास टेप है, टेप से हम उसको चिपका सकते हैं, चिपका सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी पट्टियां काट के इस पूरी काइट को हमको स्टिक करना है, अदरवाइज ये लकड़ी निकल जाएगी, है ना। तो वो ना निकले उसके लिए हमको ये टेप लगानी पड़ेगी। बेटा रेडी होते से ही मैं आपको दिखा दूंगी, ओके। ये देखो जो सीधी वाली डंडी थी वो मैंने स्टिक करके रेडी कर दी है, अब हम ऐसे वाली जो डंडी होती है उसको लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे हेल्प चाहिएगी, तो मैं एक मैम है हमारे पास, उनको बॉल बुला लेती हूँ। मैम प्लीज आ जाओ, देखो मैम आए, हेलो करो सब मैम को। हेलो, तो मैम और हम दोनों मिलके आज ये एक्टिविटी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। सो अच्छे से सीखना और ब्यूटीफुल सी काइट आपको बनानी पड़ेगी, है ना। यस, मुझे पता है आप सब बनाओगे, क्योंकि हैंडमेड काइट किसको नहीं पसंद आती है, हर किसी को पसंद आती है अपने हाथ से बनाई हुई काइट। तो ऐसे बहुत सारे पट्टियां आपको चाहिएगी, तो बी पेशेंस, है ना, आराम से शांति से करना, जल्दी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीजों में, ओके। सो हमारी पतंग रेडी है, रेडी टू फ्लाई। देखो ऐसी वाली भी हमने लकड़ी का जो हमारे पास छोटी लकड़ी थी उसको भी हमने यहाँ ऐसे राउंड में स्टिक कर दिया और एक ऐसे स्टिक कर दी, तो हमारी काइट अब रेडी टू फ्लाई, उड़ने के लिए तैयार है। ये मजा आया आप सबको? मुझे तो बहुत मजा आया, क्यूट सी सुंदर सी पतंग बनाना सीखा हमने। अब आप भी हैंडमेड पतंग बनाना अपने पसंद की, और इस काइट फ्लाइंग में अपनी ही बनाई हुई काइट यूज करना, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।